दोस्तों नमस्कार। मेरे पेज पर एक नई जानकारी बस आपके लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जिसे एक अनुपम और अचंभित कर देने वाली शहर जिसे हम कहते हैं बिलासपुर, जिसे हमर बिलासपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमर बिलासपुर एक ऐसा बिलासपुर है जहां आसपास में बहुत ही एक उद्योग के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको जाना जाता है। तो वैसे हमर बिलासपुर के बारे में आपको बताऊंगा। हमर बिलासपुर में है बड़ी बड़ी कंपनी गार्डन जिसे विवेकानंद उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, और स्मृतिवन घूमने की जगह है, वही ऊर्जा पार्क जहाँ लोग अपनी मन को एक बहलाने की जगह बताते हैं, वही एक चिड़ियाघर है जिसे हम कानन पेंडारी के नाम से जाना जाते हैं, वहीं कुछ दूरी पर है, 25 किलोमीटर दूरी पर है रतनपुर, मामा माया देवी दर्शन के लिए जाते हैं, वहीं आसपास में है खूटाघाट जहाँ देखने के लिए लोग जाते हैं, और हमारे बिलासपुर के कुछ दूरी में है उद्योग के क्षेत्र में जिसे NTPC के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ बिजली की उत्पादन होती है। वहीं उद्योग के क्षेत्र में एक जाना जाता है जिसे हम कहते हैं मुरुम खदान, जहाँ एक राखड़ और एरिया की बोरी की सिल्ली बनाई जाती है। और आने जाने के साधन में तो आपको पता ही होगा ये एक क्षेत्र को जोड़ती है, जैसे रतनपुर से बिलासपुर को जोड़ती है, उसी प्रकार बिलासपुर से रायपुर को जोड़ती है, और इस प्रकार से बिलासपुर से ही तखतपुर को जोड़ती है और लोरमी को जोड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दूं तो यहाँ बड़ी बड़ी कॉलेज है जिसे कहते हैं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज, बिलासपुर कोनी में है, उसी प्रकार से CMD कॉलेज जिसे छितानी मिताली दुबे के नाम से जाना जाता है, और साइंस कॉलेज जो विज्ञान कॉलेज है ई राघवेंद्र के नाम से इसको जाना जाता है, बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज जाना जाता है जो लड़कियों के लिए खास होती है, और DLS कॉलेज जो बहुत ही फेमस मानी जाती है। तो हमर बिलासपुर में घूमने और आज इसे स्मार्ट सिटी के भी नाम से जाना जाता है, और वही एक राजधानी को न्यायधानी के नाम से बिलासपुर को भी जाना जाता है। यहाँ न्याय बहुत ही ज़्यादा हाई कोर्ट में है जो एक तीफरा बिलासपुर में उपस्थित और बनाया गया है। हमर बिलासपुर में बहुत ही ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे स्टेशन है जहाँ यातायात के साधन के माध्यम से जाया जाता है, वही तीफरा में नया बस स्टैंड भी है जहाँ लोग आने जाने के लिए किया जाता है। बिलासपुर एक ऐसा शहर है जो शहर के बीच में है और आपको जहाँ भी जाना रहेगा एक साधन बना हुआ है और चारों तरफ आने जाने की जगह बनी जा जाती है। बिलासपुर एक ऐसा शहर है जहाँ सब चीज़ को आप देख सकते हैं। अभी गणेश चतुर्थी में बहुत ही ज़्यादा वहाँ गणेश बनी हुई है और मंडप बनी हुई है जहाँ देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये ऐसा बिलासपुर है जिसे हमर बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। तो छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।